हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिजिक्स के वीडियो लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है मतलब चैप्टर नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। आप अभी चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हो या आपने देखा होगा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड्स थोड़े बहुत समझ में आए होंगे, उसको याद करके हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, पहले हम बात करते हैं कि फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म क्या होते हैं। समझना, यहाँ पे पानी है, उस पानी को मैंने इतनी हाइट पे लेके यहाँ पे रख दिया, या तो पानी को मैं इतनी हाइट पे लेके जाता हूं और वहां पे मैं एक डैम बना देता हूं। क्या बना दिया? डैम। पानी को हम हाइट पे लेके गए, उसके पास हाइट आई तो उसको हमने कौन सी एनर्जी दी? पोटेंशियल एनर्जी। उसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी, mgh, इतनी हाइट पे लेके गए, डैम बना दिया। अब वो डैम में पानी हमने स्टोर कर दिया और वहां से हम पानी को फ्लो करते हैं। जब वो पानी फ्लो होता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। वो फ्लो होता है, काइनेटिक एनर्जी। अब पानी फ्लो होता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। बीच में हमने एक टरबाइन रख दिया, वो पानी ऐसे फ्लो होता है, ऐसे इस टरबाइन को ऐसे घुमाना है, ऐसे चलना है, इस टरबाइन को ऐसे घुमाना है और उससे हमको इलेक्ट्रिक मतलब लाइट मिलती है। वो जो टरबाइन घूमता है कौन सी प्रॉपर्टी है? मैकेनिकल। टरबाइन का घूमना, टरबाइन का चलना मैकेनिकल। तो ये एनर्जी के अलग अलग फॉर्म है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ऐसे हमको एनर्जी के अलग अलग फॉर्म मिलते हैं। ओके, अब जो ये एनर्जी है वो एनर्जी कैसे बनती है? वो एनर्जी बनती कैसे है? जब पानी ऐसे फ्लो होता है, हमने बीच में ऐसे टरबाइन रख दिया, हमने कुछ नहीं किया, बीच में सिर्फ ऐसे टरबाइन रखा, पानी अपने रास्ते से जा रहा है और वो टरबाइन को ऐसे घुमाता जाता है, ऐसे ऐसे करता है और टरबाइन घूमता है, हमारा काम हो जाता है, हमको उसमें से पानी में से जो इलेक्ट्रिसिटी में लेते हैं वो हमको इलेक्ट्रिक करंट मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, लाइट मिलती है। ओके, तो हमने क्या किया, जो पानी फ्लो होता था उसके बीच में टरबाइन रख दिया। ओके, अब ये तो हमने किसकी बात की? पानी की बात की, कि वाटर में हम अलग अलग एनर्जी देख सकते हैं, अलग अलग एनर्जी के फॉर्म देख सकते हैं। अब वैसे ही मुझे हमको किसके बारे में डिस्कशन करना है? करंट के बारे में, व्हाट इज करंट, उसके बारे में डिस्कशन करना है। ओके, उससे पहले ये एनर्जी हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, यस ले जा सकते हैं। कैसे? तो पहले समझना कि जैसे पानी फ्लो होता है, पानी को हमने क्या किया, हाइट पे लेके गए, पोटेंशियल एनर्जी में से किस एनर्जी में कन्वर्ट किया? काइनेटिक एनर्जी में। ऐसा एनर्जी फॉर्म चेंज करते हैं। अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो उसमें हम चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? चार्ज पार्टिकल। कौन से है चार्ज पार्टिकल? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल। ऐसे 100 टाइप्स के चार्ज पार्टिकल है हमारे नेचर में, बट वी डिस्कस ओनली 1, 2 और 3, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। बट न्यूट्रॉन इज अ, उसके पास कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। ओके, तो चार्ज पार्टिकल को हमने क्या किया, ऐसे कंप्रेस करके रखा है। मान लो कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे कंप्रेस करके रखा है। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में तो रिपल्शन फोर्स लगेगा, रिपल्शन होता है, फिर भी हमने उसको बहुत कंप्रेस करके ऐसे एक जगह पे स्टोर किया है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे एक के ऊपर एक हमने उसको स्टोर करके ऐसे लॉक कर दिया। अब उसके अंदर स्टोर है तो हमने जो एनर्जी इसके पीछे खर्च की
इसके पीछे वेस्ट की एनर्जी, हमारी जो एनर्जी इसको कंप्रेस करने में वेस्ट होती है वो एनर्जी कहां पे गई? क्योंकि एनर्जी तो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, लॉस नहीं होती है, तो हमारी जो एनर्जी थी वो एनर्जी अब इस इलेक्ट्रॉन के पास आ गई। कौन से फॉर्म में? पोटेंशियल के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? किस फॉर्म में आ गई? पोटेंशियल के फॉर्म में। तो हमने उसको ऐसे कंप्रेस करके रखा है। अब वो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होते हैं, हमने वहां से लॉक ओपन कर दिया, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होते हैं, स्विच ऑन कर दिए, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, हम उसके बीच में फैन रख देते हैं, ट्यूबलाइट रख देते हैं, कोई भी जो हमारे पास मैकेनिकल मशीन होता है उसके बीच में रख देते हैं, और वो जैसे फ्लो होता है फैन स्टार्ट हो जाता है, ट्यूबलाइट जलती है, ऐसे हमारे काम होते हैं। तो एक ट्यूबलाइट जलती है, फैन चालू हो गया, कैसे हुआ? क्योंकि उसको करंट मिला। और एक करंट क्या है? फ्लो है। किसका फ्लो है? चार्ज पार्टिकल का। और एक चार्ज पार्टिकल कहां से आए? हमने जो कंप्रेस करके रखे थे वो चार्ज पार्टिकल जब फ्लो होते हैं तो हम उसके बीच में ऐसे हमारे लोड रख देते हैं। क्या रख देते हैं? लोड। लोड का मतलब क्या है? कोई भी डिवाइस, फैन, ट्यूबलाइट जैसे, तो वो स्टार्ट होता है, हमारा काम हो जाता है। जैसे पानी फ्लो हो रहा था, हमने बीच में टर्बाइन रख दिया, हमारा काम हो गया। वैसे जब चार्ज पार्टिकल फ्लो होते हैं तो हम उसके बीच में डिवाइस कर देते हैं। समझ में आ रही है? पानी फ्लो होता है और चार्ज पार्टिकल फ्लो होते हैं, तो ये जो फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? करंट। फ्लो होना मतलब करंट, ऐसे करंट चलता है। समझ में आ रहा है? तो फ्लो का मतलब ही क्या है? करंट। और ये चार्ज पार्टिकल जब फ्लो होते हैं, क्या फ्लो होता है? चार्ज पार्टिकल जब फ्लो होते हैं तो हमको क्या मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी। बरोबर है? देखते हैं इसमें आगे। तो यहां पे देखना, ये जो फ्लो होता है उसको ये क्या बोलते हैं? करंट। पानी फ्लो होता है और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल फ्लो होते हैं तो हमको क्या मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हमारी डिवाइस चलती है। अब यहाँ पे याद रखना, ये जो करंट है वो फ्लो होता है, पर हमको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है उसको, तो वो जा सकता है कैसे? जैसे बिजली कहाँ पे बनती है? पावर स्टेशन में। और हमको यहाँ पे फैन चलाना है, हमारे कमरे में फैन चलाना है, ट्यूबलाइट जलानी है, तो यहाँ एनर्जी फ्लो कैसे हो? ए चार्ज पार्टिकल यहां पर कैसे पहुंचे? उसके लिए हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिस्टम। जैसे हमने एक मोटर जनरेटर दूसरे कमरे में रखा है और हमको इस कमरे में एक फैन चलाना है, ट्यूबलाइट चलानी है, तो वो चार्ज पार्टिकल यहां पे कैसे फ्लो होके आएंगे? उसके लिए हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए। उस सिस्टम से वो पार्टिकल यहां पे आएंगे, फ्लो होंगे और हमको करंट देंगे। ओके, तो सबसे पहले यहां पे नोट कर देते हैं, चार्ज पार्टिकल फ्लोस इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब इसके बाद थोड़ा आगे देखते हैं कि ए चार्ज पार्टिकल फ्लो होंगे तो उसके लिए हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि हमको जो लाइट है वो पावर स्टेशन से हमारे घर तक लाना है, तो उसके लिए सिस्टम क्या होना चाहिए? तो उसके लिए सिंपल सिस्टम हम देखेंगे, और वो जो सिस्टम है उसको यहां पर समझना। ये हमने यहां पे एक ऐसे एक मोटर लगा और यहां पे दूसरा चक्का लगा दिया, और ये जो है ऐसे,
एक सिस्टम हो गया, ये क्या हमने कर दिया यहाँ पे मोटर, जिससे हमको पावर मिलता है, चार्ज पार्टिकल मिलेंगे। तो जैसे हम सेल यूज करते हैं, सेल से मोटर चलती है, तो सेल क्या है, स्टोरेज है। किसका स्टोरेज है, चार्ज पार्टिकल का। तो ऐसे हमने यहाँ पे स्टोरेज है, ये क्या है स्टोरेज। अब यहां से ये हमने स्टोरेज रख दिया, और ये जो है वो एक हमने रिंग रख दिया, जिससे कि ऐसे बैठ घूमेगा। ओके, अब ये हमारा एक सिस्टम है, जैसे हम कोयला ले जाते हैं, कोयले को ले जाते हैं, उसका सिस्टम क्या होता है, तो हम यहाँ पे कोयला रख देते हैं, यहाँ पे ऐसा कोयला रख देते हैं, ये ऐसे जाता है और कोयला यहाँ पे नीचे गिर जाता है। अब यहाँ से आगे कोयला नहीं आएगा, फिर जब यहाँ पे आता है हम फिर से कोयला रख देते हैं, यहाँ पे आएगा कोयला नीचे गिर जाएगा। तो कोयले को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए ये हमारे पास एक सिस्टम बन गया। जैसे बाइसिकल में चेन होगी, एक चेन ही है कि हमने यहाँ से पेडल लगाया है, तो ये पेडल ऐसे घूमते हैं और इस व्हील को भी ऐसे घुमाते हैं। जैसे एस्केलेटर आपने मॉल में देखे, मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ और इसको ऐसे कर देता हूँ, तो एस्केलेटर में आप खड़े हो जाते हैं, ऐसे ऊपर जाता है, फिर उसका जो सिस्टम है ऐसे चलता रहता है। तो ये हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जिससे कि जो चार्ज पार्टिकल है ऐसे फ्लो होगी। ओके, अब इसमें क्या करते हैं हम कि ये जो चार्ज पार्टिकल फ्लो होते हैं, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे फ्लो होते हैं, अब हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ से चार्ज पार्टिकल हमको मिले और वो ऐसे फ्लो होते हैं और ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, बीच में यहाँ पे ये हमने क्या किया, यहां से ये हमने एक बल्ब लगा दिया, ये चार्ज पार्टिकल फ्लो होते हैं, हमारा बल्ब जलने लगता है। ये क्या है बल्ब, बल्ब की जगह पे आप कोई भी चीज लगा सकते हो, फैन, ट्यूबलाइट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा सकते हो, इसको हम बोलेंगे लोड। तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे फ्लो होते हैं, हम बीच में ऐसे लगा देते हैं तो हमारा काम हो जाता है। ओके, अब हमने क्या किया कि ये चार्ज पार्टिकल यहां से आए और ऐसे कि हमको बल्ब यहां पे जो है उसमें से लाइट मिलती। ओके, अब अगर मैं इसको यहां से बीच में से मैंने इसको काट दिया, या जो कि हमारा पूरा चेन था वो मैंने यहां से ओपन कर दिया, मतलब यहां से तोड़ दिया, अब क्या ये बल्ब चालू होगा, ये चार पार्टिकल यहां से आएंगे, फिर ये ऐसे जाएंगे, नहीं जाए, क्योंकि हमने इसमें इसका जो एक पाथ था उसको यहां से तोड़ दिया है, अब ये पूरा ऐसे नहीं घूम सकता, अब ये जो बल्ब है वो स्टार्ट नहीं होता। तो यहां पे हम इसको जब ज्वाइन करेंगे तब ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, इसको बल्ब चालू करने के लिए जब हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तब हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए स्विच क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। तो हमने यहाँ पे एक सिस्टम में दूसरा एक पॉइंट ऐड कर दिया और इसको हम क्या बोलेंगे, स्विच। ये क्या है स्विच, जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट नोट कर दिया, और ये क्या है कैपेसिटर, ये क्या है कैपेसिटर, जहां पे आप जो चार्ज है पार्टिकल है करंट जो है वो स्टोर हो सकती है। और ये क्या था मोटर। ओके, और एक एक सिस्टम में हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। ओके, तो ये जो पूरा सिस्टम बनता है उस सिस्टम को हम बोलते हैं सर्किट। क्या बोलते हैं सर्किट, इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे सर्किट। तो ये जो सर्किट होती है उस सर्किट से कहीं दूसरी जगह पे हम जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको हमारे घर तक ला सकते हैं, और यही सिस्टम लगा हुआ है हर जगह पे, तो इसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। ये पूरा
पूरा सर्किट है, सर्किट में मोटर स्विच लोड सिर्फ इतने जो इक्विपमेंट आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, हमको जैसे जैसे जरूरत पड़ती है ऐसे हम उसमें इक्विपमेंट ऐसे ऐड करते जाते हैं, पर इस पूरे को हम क्या बोलेंगे सर्किट। ओके, अब यहाँ पे इस सर्किट से हम जो चार्ज पार्टिकल है उसको फ्लो करवाते हैं, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ले जाते हैं, और ऐसे हम करंट को करंट जो फ्लो होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। इट्स अ बेसिक, समझ में आया कि चार्ज फ्लो होगी तो हमको क्या मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी, और चार्ज फ्लो होने के लिए हमारे पास जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं सर्किट। समझ में आया? ओके, अब इसमें दो पॉइंट याद रखने हैं, अगर ए स्विच ओपन है, स्विच ओपन है, ए देखिए स्विच ओपन है तो स्विच ओपन और दूसरा स्विच क्लोज, स्विच ओपन होगी, ए स्विच ओपन होगी तब करंट फ्लो होगा कि स्विच क्लोज होगी तब करंट फ्लो होगा, एक मजेदार प्रश्न है। व्हेन करंट इज फ्लो इफ स्विच इज ओपन एंड स्विच इज क्लोज, तो स्विच ओपन है उसका मतलब हमारा जो सर्किट डायग्राम है वो टूटा हुआ है बीच में से ऐसे, तो स्विच ओपन है उसका मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहां पे करंट स्टॉप। ओके, स्विच क्लोज है, मैंने इस स्विच को क्लोज कर दिया ऐसे, अब करंट क्या होगा फ्लो होगा, करंट फ्लो। ओके, यहां पे अच्छे से समझना, हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि क्लोज मतलब बंद, बंद कर देना, मतलब टीवी चालू है मैंने बोला बंद कर दीजिए, उसका मतलब क्या है बंद हो गया ऑफ हो गया, और यहां पे स्विच क्लोज करना इसका मतलब क्या है, स्विच क्लोज करना उसका मतलब क्या है करंट फ्लो होता है, इसमें ए थोड़ा उल्टा होता है, और स्विच ओपन करना, ओपन करना क्या करंट स्टॉप होता। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं आपको, इससे रिलेटेड याद रखना है, यहां पे जब करंट स्विच ऑफ ऑन होगा तो इसके रिलेटेड हम ऐसे इसको नोट कर दे जाएंगे। ओके, तो ये जो हम बात कर रहे हैं करंट की, ओके, और ये पूरा इसके लिए क्या हो गया सर्किट टाइम, क्या हो गया सर्किट नाइन। अब ये जो करंट है उसकी स्ट्रेंथ कितनी हमको डिस्कशन करना है कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, करंट की स्ट्रेंथ कितनी, स्ट्रेंथ ऑफ करंट इसकी स्ट्रेंथ कितनी, तो इसकी स्ट्रेंथ जानने के लिए हमने यहां पे एक क्लॉक रख दिया या वॉच जैसा, मतलब एक कोई टाइमर रख दिया, या तो हमने यहाँ पे सर्किट के पास एक चौकीदार को बिठा दिया। अब हम बोल रहे हैं कि एक सेकेंड में इसमें से कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं वो आप काउंट कीजिए, तो यहाँ पे बैठे बैठे वो काउंट कर रहे हैं कि एक सेकेंड में 10 चार्ज पास होते हैं, फ्लो होते हैं, कितने 10 चार्ज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे 1 सेकेंड में 10 चार्ज फ्लो हुए, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है 10 जितनी। अब हमने यहाँ पे इस जो मोटर है उसका वोल्ट इंक्रीज कर दिया, वोल्ट बढ़ा दिया या ज्यादा वोल्ट की मोटर रख दी, अब हमने इनको पूछा कि अब 1 सेकेंड में कितने चार्ज पास हो रहे हैं, तो बोले 20 चार्ज पास हो रहे, कितने चार्ज 20, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 20 से। उसके बाद हमने और वोल्ट इंक्रीज किया, अब 30 चार्ज
पास हो रहे तो इसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा होगी, एक सेकेंड कितने चार्ज पास हो रहे 30 चार्ज। तो स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ मतलब क्या है कि कितने चार्ज पास होते हैं, नंबर ऑफ चार्ज फ्लो इन वन सेकेंड इज द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। समझ में आएगा, तो स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इसका मतलब क्या है, यहां पे नोट करते हैं कि चार्ज चार्ज पास इन वन सेकेंड, मतलब यहां पे यूनिट टाइम ये हमको क्या देंगे, स्ट्रेंथ किसी करंट आएगी स्ट्रेंथ। तो चार्ज अपॉन टाइम, यहां पे नोट करते हैं इसकी डेफिनेशन कि चार्ज पार्टिकल फ्लोज इन वन सेकेंड और यूनिट टाइम। करंट पास हो, तो व्हाट इज 1 एम्पीयर,
वन एम्पियर कितना होता है? तो वन एम्पियर का मतलब है कि वन कूलम चार्ज पास इन वन सेकेंड इज कॉल्ड वन एम्पियर। ओके, ये हो गया। तो याद रखना है आपको, ये जो हम बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं उसमें सबसे पहले कि करंट फ्लो कैसे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलती है, तो चार्ज पार्टिकल फ्लो होंगे। चार्ज पार्टिकल कैसे फ्लो होते हैं? जैसे पानी फ्लो होता है, पानी को हम एक हाइट पे लेके जाते हैं, वहां से फ्लो होता है। आपने आपके घर में देखा है कि हम पानी की टैंक थोड़ी हाइट पे रखते हैं तो हमारे घर में जो वाटर सप्लाई है वो अच्छा रहता है। तो वैसे ही हम इसको कंप्रेस करके रखते हैं, दबा के रखते हैं, जैसे स्विच ऑन करते हैं सारे चार्ज पार्टिकल फ्लो होते हैं, उसके बीच में हम हमारी डिवाइस रख देते हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे हम इसको करते हैं। याद रखना स्ट्रेंथ क्या है, ये भी याद रखना, इसका फॉर्मूला हो गया। ओके, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी, इसका यूनिट है, 1 एम्पीयर किसको बोलते हैं, और ए भी आप याद रखना स्ट्रेंथ होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कशन करेंगे आगे और कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके।